इन ए फिगर गिवन बिलो द पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg इज शोन। 0.1 kg का एक पार्टिकल है, उसका पोजिशन टाइम ग्राफ आपको दिया है और आपसे पूछ रहे थे इम्पल्स एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे इम्पल्स क्या होगा, यहाँ पे इम्पल्स क्या होगा? तो जो इम्पल्स होता है, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब 2 सेकेंड के जस्ट बाद स्लोप जीरो हो गया है, लगातार जीरो बना हुआ है उसके बाद, यानी फाइनल मोमेंटम तो हो गया जीरो, स्लोप जीरो तो वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम जीरो, यानी फाइनल मोमेंटम तो होगा जीरो माइनस। 2 सेकेंड से जस्ट पहले जो लाइन है वो ये लाइन है और इसकी स्लोप जो है वो 4/2, 2 मीटर पर सेकेंड की स्लोप है। तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो होगा मास इंटू वेलोसिटी, तो मास तो है 0.1 kg और वेलोसिटी है इस लाइन की स्लोप, और स्लोप होगी 4/2, हाइट है 4, बेस है 2, तो वो 2 हो जाएगी। तो जो इम्पल्स लगा वो हो गया -0.2 kg इंटू मीटर पर सेकेंड, सो द आंसर विल बी बी पार्ट। ए बॉडी ऑफ 2 kg हैज एन इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। 2 kg की बॉडी है, इनिशियल स्पीड 5 की दी हुई है आपको, और फोर्स एक्ट कर रहा है कुछ देर तक उसी की डायरेक्शन में, जिधर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में, तो मोमेंटम बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, ठीक। और फोर्स टाइम ग्राफ आपको ही दिया हुआ है, फाइनल स्पीड आपसे पूछ रहे हैं, तो ढंग से समझना करना क्या है इसमें। इस पूरे ग्राफ का एरिया आपको कैलकुलेट करना है, और जो एरिया होगा वो बनेगा इम्पल्स, और इम्पल्स होगा चेंज इन मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो पहले पूरा एरिया कैलकुलेट करने में, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, इसमें एक रेक्टेंगल हिस्सा होगा, एक ट्राइंगल होगा, फिर एक रेक्टेंगल है, ये सारे एरिया आपको कैलकुलेट कर लेने, और उसको लिखोगे फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। और यहाँ से सब कुछ सॉल्व करके आपको उसकी फाइनल वेलोसिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। एरिया निकालना कोई मुश्किल नहीं है, इसमें ट्राइंगल का फॉर्मूला, इसमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला, ये सारे सॉल्व करके आपको एरिया निकाल देना, सिंपल है। फोर्स टाइम ग्राफ फॉर ए मोशन ऑफ ए बॉडी इज शोन इन ए फिगर, द चेंज इन मोमेंटम पूछ रहे हैं 0 से 10 सेकंड के बीच में। तो बहुत ही सिंपल है, हमें बस क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया होगा वही इम्पल्स होगा, वही चेंज इन मोमेंटम होगा। तो ऊपर वाले का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस है 8 और हाइट है 1 की। नीचे वाले का एरिया निगेटिव होगा, ऊपर एरिया पॉजिटिव, नीचे एरिया निगेटिव, और वो एक रेक्टेंगल जैसा है, तो उसका होगा लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ है 2 सेकेंड और विड्थ है 0.5। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 1, तो ये आ गया 3। इम्पल्स 3 का हुआ तो चेंज इन मोमेंटम भी 3 का होगा, 3 kg इंटू मीटर पर सेकेंड, डी पार्ट। ए 2 kg टॉय कार कैन मूव अलोंग एक्स एक्सिस, टॉय कार है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर सकती है, 2 kg उसका मास है। ग्राफ शोज ए फोर्स एफ एक्स एक्टिंग ऑन द कार विच बिगेन्स एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। टी इज इक्वल टू 0 पे फोर्स एक्ट कर रहा है, और पहले फोर्स कुछ देर तक पॉजिटिव रहा है 8 सेकंड तक, फिर 8 सेकंड से 11 सेकंड तक फोर्स नेगेटिव रहा है, और 10 सेकंड पे आपसे वेलोसिटी पूछ रहे हैं, 10 सेकंड पे, 10 सेकंड पे वेलोसिटी पूछ रहे हैं, ठीक। तो हम निकालेंगे इसका एरिया, और एरिया बनेगा इम्पल्स, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, वहाँ से फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 दी हुई है। तो पहले एरिया निकालते हैं, तो पहले ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस दिया है 8 और हाइट दी है 4, और नीचे ये जो है तो इसमें क्या है, एक ट्राइंगल भी है ये, और फिर एक इसमें ये रेक्टेंगल भी है, दोनों का एरिया निकालते हैं, निगेटिव होगा माइनस हाफ। ट्राइंगल का एरिया कितना जाएगा, बेस, बेस कितना है 1 और हाइट है 2, प्लस वो जो छोटा सा रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना होगा, तो बेस इसका 1 है और हाइट है माइनस 2, 2 है मतलब माइनस तो है ही, वो मैंने बाहर माइनस लगा ही दिया है। तो ये आपका हो गया 16 माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ हो गया 1 और यहाँ 2, ये 3, तो ये आपका आ जाएगा 13, 13 हो गया इम्पल्स, ठीक है, 13 आई कैप या 13 हो गया इम्पल्स, ठीक। और इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, 2 kg की कार है, वेलोसिटी आपको निकालनी है, इनिशियल मोमेंटम उसका 0 है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो जो उसकी वेलोसिटी आ रही है वो आपकी आएगी 6.5 मीटर पर सेकेंड। आई कैप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का मोशन है। ए पार्टिकल ऑफ मास एम इनिशियली एट रेस्ट इज एक्टेड बाई ए फोर्स एफ इज इक्वल टू 80।
ये कोई पार्टिकल एम है और वो रेस्ट में है, एफ इज इक्वल टू ए टी का फोर्स लग रहा है उस पर, और फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत आराम से समझना आपको, फोर्स और टाइम का रिलेशन तो पता है कि फोर्स जो है वो ए टी आपको दिया हुआ है, ये फोर्स और टाइम का रिलेशन है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करना है, तो फोर्स को हम क्या लिखेंगे, मास इंटू एसलेशन, एसलेशन को क्या लिखेंगे, वी, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, या एक मिनट, टाइम का फंक्शन है तो एसलेशन को हम लिखते हैं डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी। तो वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे तो वो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ जाएगी, ठीक है। अब वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, आराम समझते जाना, डी एक्स बाई डी टी वो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से जब आप डी टी इधर लाके इंटीग्रेट करोगे तो जो एक्स आएगा वो टी क्यूब के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो एक्स टी क्यूब के प्रोपोर्शनल है और फोर्स जो है वो टी के प्रोपोर्शनल है। अब हम टी को अगर इलिमिनेट करेंगे तो जो फोर्स आपका आएगा वो एक्स की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये आपका प्रोपोर्शनलिटी बनेगा, ठीक। अब इसमें देखना है इसमें ग्राफ कौन सा होगा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 1/3, ये कौन सा ग्राफ होगा, एक्स कह लो या एस कह लो, डिस्प्लेसमेंट एस लिखा है उन्होंने, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एस की पावर 1/3 कह लो। अब हमको देखना है ये ग्राफ कौन सा है, ठीक है। तो अगर फोर्स एक्स की पावर 1 के प्रोपोर्शनल होता है तो ये स्ट्रेट लाइन होता है, एस की पावर 2 एस की पावर 3 के प्रोपोर्शनल होगा तो ये ऊपर की तरफ ग्राफ उठता चला जाएगा, बहुत स्टीप होता जाएगा, और एस की पावर हाफ एस की पावर 1/3 होगा तो ये नीचे की तरफ झुकता चला जाएगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए पार्ट, ए पार्ट आपका आंसर बनेगा। ए 15 kg ब्लॉक इज इनिशियली मूविंग अलोंग ए स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 m/s टू द लेफ्ट। इनिशियल वेलोसिटी 4 m/s है लेफ्ट की तरफ, ठीक, और इस पे एफ फोर्स लग रहा है जो कि राइट डायरेक्शन में है, और वो किस तरह से वेरी कर रहा है, तो वो साइनोसॉइडल कर्व है, कॉस का कर्व है, वो इक्वेशन भी दिए 40 cos π/10 t, और 15 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी आपसे निकालना, इस मोमेंट पे वेलोसिटी कितनी होगी तो वो आपको निकालना। तो कई तरीके हैं इसको करने के, हम क्या करेंगे इसका एरिया फाइंड करेंगे। अब एरिया कैसे निकालेंगे, कोई ट्राइंगल रेक्टेंगल तो है नहीं, फॉर्मूला लगा देंगे, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जो इम्पल्स होगा इंटीग्रेशन एफ डी टी, टाइम आपका 0 से 15 सेकेंड, इसको इंटीग्रेट करेंगे और ये बनेगा चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम, और इनिशियल वेलोसिटी -4 है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हम नेगेटिव मान रहे हैं, ये वाली डायरेक्शन हम क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है। तो जो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी है वो -4 है, मास आपका 15 kg है, सारी वैल्यू डाल देते हैं, फोर्स की वैल्यू डालेंगे तो 40 हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, कॉस पाई बाई 10 t, कॉस टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन टी, साइन पाई बाई 10 × t, और ये जो मल्टीप्लायर होगा टी का उससे हम क्या कर देंगे इसको डिवाइड, ये इसका इंटीग्रेशन हुआ। लिमिट्स लिमिट 0 से 15 इज इक्वल टू एम, एम कितना है 15 kg, वी माइनस माइनस +4। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये 10 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 400 / π, लिमिट्स डालते हैं तो पहले 15 डालेंगे तो ये आ जाएगा साइन 15/10 t यानी 3π/2 माइनस साइन 0 इज इक्वल टू 15 × v + 4। साइन अगर आपको 90 डिग्री, साइन ये 3π/2 है तो ये साइन 270 है, साइन 90 अगर आपका +1 होता है तो साइन 270 आपका हो जाएगा -1, तो ये हो गया -1, ये 0 है, तो ये पूरा माइनस में आने वाला, तो -400 / π ये आने वाला है इज इक्वल टू 15 v + 4। अब ये सिंपल है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 15 5 से कैंसिल करते हैं 3 times, 5 से कैंसिल करेंगे 80 times, तो ये आपका जो v आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा -80/3π, तो ये हो ही गया, और -4 और आ जाएगा, तो ये आपकी वेलोसिटी मिल जाएगी उसकी, ठीक है। नेगेटिव आ रही है मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, ठीक है। अप्रोक्सीमेट कितना आने वाला है ये, तो 3π या कुछ लगभग 9 या 10 के आसपास हो जाएगा, तो ये 8 के आसपास हो जाएगा, तो ये 8 के आसपास, तो ये -4,
तो ये -12 के आसपास कुछ आपको आंसर मिलेगा। तो -12 के आसपास जो आंसर मिल रहा है वो आपका है ए पार्ट, तो ए पार्ट आपको आंसर मिल जाएगा। इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल, इस पर बेस्ड अब क्वेश्चन हैं तो करना शुरू करते हैं। 64, ए बॉडी सब्जेक्टेड टू थ्री कंकरेंट फोर्सेस फाउंड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तीन फोर्सेस लग रहे हैं कंकरेंट है, मतलब एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब तीनों का रिजल्टेंट जीरो होगा। रिजल्टेंट जीरो होने का मतलब ये है कि किन्हीं भी दो का रिजल्टेंट तीसरे वाले के इक्वल एंड अपोजिट होगा। द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू फोर्सेज इज इक्वल एंड अपोजिट टू द थर्ड फोर्स। ठीक, तो इज इक्वल टू द थर्ड फोर्स, इज अपोजिट टू द थर्ड फोर्स, इज कोलिनियर विद द थर्ड फोर्स। ठीक ही कह रहे हैं, इक्वल भी होगा थर्ड फोर्स के मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में उसके अपोजिट होगा, कोलिनियर मतलब सेम लाइन के अलोंग होगा, सेम लाइन के लॉन्ग होगा, क्योंकि तीनों फोर्स एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑफ दीज। ए ब्लॉक ऑफ मास 3 kg इज एट रेस्ट ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन ए फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक। ठीक है, अगर ये रेस्ट में है तो सरफेस ने जो नेट फोर्स लगाया होगा वो उसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा, उसमें नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, फ्रिक्शन भी होगा, नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा होगा, जो फ्रिक्शन होगा वो जो फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ वो आगे एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा होगा, और उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। कॉन्टैक्ट फोर्स आपका नॉर्मल रिएक्शन भी होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रिक्शन भी होता है, तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स अगर पूछा जाएगा, ठीक है, नेट फोर्स पूछा जाएगा जो कि सरफेस ने एग्जर्ट किया है, तो वो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो ढंग से आप समझ लो, इधर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन एन, ये किसको बैलेंस करेगा, ये बैलेंस करेगा आपका एम जी कॉस थीटा को, अगर ये एंगल थीटा है आपका, और इधर सरफेस के अलोंग लग रहा होगा फ्रिक्शन, ये किसको बैलेंस कर रहा होगा, ये बैलेंस कर रहा होगा एम जी साइन थीटा को। ये दोनों ही कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, फ्रिक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा, अगर हम उसको एफ सी लिखें, तो आएगा अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ आर का स्क्वायर। एन एम जी कॉस थीटा, ये एम जी साइन थीटा, तो सबका रिजल्टेंट जब आप निकालोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो एम जी के बराबर आ जाएगा। सो द आंसर विल बी 30 न्यूटन, डी पार्ट। ए बॉडी ऑफ मास 1 kg लाइज ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज गिवन, बॉडी या ब्लॉक एक ही बात है, इज गिवन ए हॉरिजेंटल फोर्स 10 न्यूटन का, एक हॉरिजेंटली फोर्स अप्लाई किया गया है। तो नेट नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा उसका नेट मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो डायग्राम थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं यहाँ पे, ताकि ढंग से समझ में आए क्या हो रहा है यहाँ। क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं अब आप आराम से देखो, एम जी के कंपोनेंट हम पहले से ब्लेक कर लेते हैं, तो ये होगा एम जी कॉस 45, एंगल 45 है आपका, तो मास 1 kg है तो एम जी हो गया 10, 10 कॉस 45 मतलब 10/√2। ऐसे यहाँ पे लग रहा होगा एम जी साइन 45, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 10/√2। बाकी 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, ये 10 न्यूटन का फोर्स एक्सटर्नल है, हॉरिजॉन्टल 10 न्यूटन का फोर्स, जरा इसके कंपोनेंट तोड़ते हैं, तो इसका एक कंपोनेंट तो यहाँ होगा, ये भी एंगल 45 है तो कॉस 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 10/√2, और एक कंपोनेंट इसका यहाँ आएगा साइन 45, तो ये भी कितना आ जाएगा 10/√2। ठीक, और फिर यहाँ से सरफेस से क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन, तो नेट नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहे हैं कितना होगा, तो जो नेट नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इन दोनों के टोटल को बैलेंस कर रहा होगा, यानी नॉर्मल रिएक्शन की जो नेट वैल्यू आएगी वो 10/√2 प्लस 10/√2 यानी 20/√2, दैट मीन्स 10√2 न्यूटन। ठीक, बाकी किसी फ्रिक्शन वगैरह की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, वैसे भी वो कह रहे हैं स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, फिर भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो इस फोर्स का 10√2 का ये जो कंपोनेंट है, इसने एम जी साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है उसको बैलेंस कर लिया होगा, तो ये ब्लॉक आपका कहाँ बना रहेगा, रेस्ट में बना रहेगा, बिना फ्रिक्शन के भी ये कहाँ बना रहेगा आपका, रेस्ट में। तो हमसे नॉर्मल रिएक्शन पूछा गया, तो आंसर क्या बना आपका, ए पार्ट।